हेलो फ्रेंड्स मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में 38 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और टोटल लंबाई लेंगी तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा टोटल लंबाई मैंने रखी है पंद्रह इंच चौदह चौदह इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप कर मेजरमेंट लीजिएगा तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें अड़तीस साइज में शोल्डर रखने हैं साढ़े पाँच इंच आर्म होल लिए हैं पौना छः इंच इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे साढ़े नौ इंच डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन इस तरीके से चेस्ट की लाइन हमने यहाँ पर बना लेनी है आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल का शेप देंगे बैक पार्ट के लिए सवा एक इंच पर शेप देते हैं और कमर का मेजरमेंट लेंगे कमर बत्तीस इंच उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर आठ इंच इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और एक इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है अब हमने ब्लाउज पीस में से बॉर्डर वाला पार्ट अलग कट कर लेना है और जो बैक पार्ट है इसे हम इस तरीके से कपड़े पर कट कर लेंगे अब हमने गले का मेज़रमेंट लेना है गले की विर्थ रखी है मैंने यहाँ पर ढाई इंच की टू पॉइंट फाइव इंच गले की लंबाई ली है दस इंच और इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है नीचे से नेक विध ली है सवा तीन इंच एक चोकोर बॉक्स यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लेना है और अब गले का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से गले का शेप हमने बना लेना है गले का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक को कट कर लिया है अब देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरीके से देखिए मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है बाहर की तरफ से एक इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे और इसे इस तरीके से रख लेंगे पिन लगा लेनी है यहाँ पर पिन लगाकर मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और अब हमने स्टिचिंग करनी है इस तरीके से पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर एक सिलाई मैंने लगा दी है इसके बाद एक के बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे एक सिलाई हमने इस तरफ कॉर्नर की लगा देनी है तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है ये जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है ये हमने कट कर लेना है अब हमें मैन कपड़ा लेना है मैन फैब्रिक को मैंने नीचे की तरफ सीधा रखा है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख के पिन अटैच कर देंगे अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ गले को बना लेंगे अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ इस तरीके से और पूरे ही गले पर कॉर्नर पे अच्छे से छोटे छोटे कट लगा देने हैं कट हमने सिलाई के पास तक लगाने हैं और अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करेंगे नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है और एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है ये वाली सिलाई लगाने से गला बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और हाथों से फिनिशिंग कर लेना है इस तरीके से फिनिशिंग देने के बाद अब एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है एक बार फिर से हाथों से फिनिशिंग कर देंगे ताकि अंदर की तरफ सल ना आए और अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है बाहर वाली सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है बाहर की तरफ इसे कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और इस बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लेंगे अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल्ड करके लेना है और अपना आरम होल वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर रख लेंगे ये पूरा पेपर पेस्टिंग से कवर हो जाना चाहिए आरम होल वाला भाग और इसे ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इसे जितना शोल्डर है उतना ही आपको यहाँ पर रख लेना है और इसे मार्किंग कर देनी है तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है जो ऊपर वाला भाग है वहां पर एक एरो का निशान बना दिया है ताकि मुझे पता रहे कि भाग हमें ऊपर की तरफ अटैच करना है ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद अब हमने क्या करना है पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर लगा लेना है पेपर पेस्टिंग को मैंने बॉर्डर के ऊपर अटैच कर दिया है इस तरीके से रखना है अच्छे से बराबर करते हुए और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए मैंने पेपर पेस्टिंग को बॉर्डर वाले कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया है आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं और इसके बाद हमने दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है ये देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर में क्रॉस पट्टी ली है क्रॉस पट्टी को इस तरीके से हमने जोड़ लेना है इसके बाद इसकी पाइपिंग बना लेनी है तो पट्टी को नीचे की तरफ सीधा रखेंगे और उल्टा करके रखेंगे अपना डिज़ाइन वाला पार्ट पैटर्न को इस तरीके से रखना है और अब हमने इस इसे फोल्ड करके पाइपिंग बना लेनी है तो देखिए पाइपिंग हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ और पट्टी को अंदर करते जाएंगे पाइपिंग को निकालते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हमने क्या करना है दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा लेनी है इसी तरीके से ये देखिए पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और इसे पलटकर पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हाथों के साथ आपको कपड़े को निकालना है उसके बाद ही इसे फोल्ड करना है दोनों पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं डिजाइन के तो अब हमने इसका डिज़ाइन तैयार करना है गले के नीचे वाले भाग पर लगाने के लिए तो बचे हुए साइड में से जो बॉर्डर बचा है इसका मैं फैब्रिक के पीसेस कट कर रही हूँ तीन इंच लंबाई और तीन इंच चौड़ाई में मैं ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसकी लंबाई चौड़ाई तीन इंच की है और ग्रीन और पिंक कलर में जो फैब्रिक के पीसेस लिए हैं मैंने इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने दो इंच की रखी है इन सभी को आपको ट्राइंगल में फोल्ड कर लेना है डिज़ाइन बनाने के लिए तो मैंने इसे ट्रायंगल्स में फोल्ड कर लिया है इसके बाद हमने ये पैटर्न तैयार करने हैं पैटर्न को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर लगा लेना है ये देखिए बाकी सारे पैटर्न भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं ये देखिए बाकी सारे पैटर्न भी मैंने तैयार कर लिए हैं और ब्लाउज में ही कलर कॉम्बिनेशन था पिंक और ग्रीन का तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन बनाया है अब हमने इन पैटर्न्स को यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरीके से सभी पैटर्न्स को एक एक करके हमने लगा लेना है ये देखिए इस तरीके से सभी पैटर्न्स को हमने अटैच कर लेना है और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस तो लेस मैंने गोल्डन कलर का लिया है आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़े की पट्टी बनाकर भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने लेस को ल, लगा लेना है यहाँ पर ताकि इसके कोई भी धागे या फिर इसमें जो भी पार्ट है धागों का वो ना दिखे उसे कवर करते हुए ही हमने लेस को अटैच करना है ये देखिए डिज़ाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया है अब हमने अपने पैटर्न लेना है और इसे इस तरीके से रख लेना है अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे अटैच कर देना है पाइपिंग के बराबर से कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से सिलाई मैंने लगा दी है अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है इस पर ब्लाउज को हमने इस तरफ से उल्टा करना है और यहां से भी सिलाई लगा देनी है अब इसके बाद पेस्टिंग का जितना भी भाग एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पैटर्न भी यहाँ पर अटैच कर लेना है दोनों पैटर्न मैंने अटैच कर दिए हैं इसके बाद मैं लटकन बना रही हूँ तो सिंपल मैंने यहाँ पर डोरी वाली लटकन ली है और इसे डोरी की साथ मैंने सिंपल लटकन बना ली है और इसे हमने यहाँ पर लगा लेना है तो देखिए इस तरीके से रखेंगे पहले सिलाई लगाएंगे फिर इसे ऊपर की तरफ से पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा देनी है और इसके ऊपर आप चाहें तो फ्लावर बना कर लगा सकते हैं या फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं तो ये इतना पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया है अब नीचे कमर पट्टी लगानी है सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे चार इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी प्लेट्स अटैच करनी है और लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इसके बाद में इसमें ऊपर की तरफ डोरी लगा रही हूँ तो ये मैंने डोरी बनाकर रखी है रेडीमेड लटकन के साथ और यहाँ पर देखिए रेडीमेड वाली ही डोरी मैं अटैच कर रही हूँ आप चाहें तो फैब्रिक की बनाकर भी लगा सकते हैं अपनी पसंद से और ऊपर से डेढ़ इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने डोरी को अटैच किया है डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद